हाय दोस्तों, आज हम बनाएंगे यूट्यूब चैनल। सबसे पहले यूट्यूब चैनल के लिए बनाने के लिए आप यूट्यूब पे पहुँच चले जाइए। यूट्यूब का पेज जैसे ही ओपन होगा वहाँ पे आप अपने गूगल अकाउंट से डिफ़ॉल्ट साइनिंग कीजिए। जो भी आपका गूगल अकाउंट होगा वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस अकाउंट को साइनिंग कीजिए। साइनिंग जैसे ही करने के बाद में आप देखोगे एक पेज ओपन होगा, वो डिफ़ॉल्ट यूट्यूब का पेज होता है। जैसे ही वो ओपन हो जाए उसके बाद में आप राइट साइड में उधर एक सेटिंग बटन होगा, यूट्यूब सेटिंग बटन, उधर प्रेस कीजिए। प्रेस करने का जैसे ही ओपन पेज होता है फ्रंट में, उधर रहेगा क्रिएट ए न्यू चैनल, वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ क्लिक करने के बाद आप देखोगे क्या आपको एक नया पेज ओपन दिखेगा, तो क्रिएट ए न्यू चैनल, क्रिएट ए ब्रांड अकाउंट, उधर लिखा होगा ब्रांड अकाउंट नेम। तो आप अपना नाम जो भी सोचोगे वहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हो। जैसे कि मैंने सोचा था टेक ऑन ज्ञान, ये मेरे चैनल का नाम है। और उसके बाद में क्रिएट कीजिए। जो फ्रेश पेज ओपन होगा वहाँ पे, उस पेज पे आपको दिखेगा यू हैव एडेड ए चैनल टू योर अकाउंट। तो आपको अपना लोगो के लिए एडिट करना है, उधर एडिट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नया पेज ओपन होगा आपका, टैब न्यू ओपन होगा, उस टैब पे आप अपना लोगो, जो भी लोगो बनाए होगे उस लोगो को अपलोड कीजिए। जैसे कि मैंने बनाया था टैग ऑन ज्ञान का एक लोगो, ऑलरेडी पहले से बना के रखा हूँ मैंने, तो उसको एडजस्ट कीजिए अपने हिसाब से, जो हिसाब से आपको रखना है। तो मैं जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ एडजस्टमेंट होने के बाद में डन पे क्लिक कीजिए और वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा आपके गूगल पे। तो आपका जो चैनल वो अभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको आने के लिए 24 आवर्स के अंदर या गूगल का जो डिफ़ॉल्ट टाइम है वो लगता है। अब आप ऐड कीजिए ऐड चैनल आर्ट, चैनल ऐड आर्ट पे क्लिक करने के बाद वहाँ डिफ़ॉल्ट आपको बैकग्राउंड देना रहता है आपके चैनल के लिए, तो वो भी मैंने पहले से बना के रखा हूँ। तो अभी आप देखोगे उसे, जो भी आपका पेज होगा उसे अपलोडिंग कर लीजिए। अपलोडिंग करने के बाद में आप देखोगे डेस्कटॉप की में वो कैसा दिखेगा, टीवी पे वो कैसा दिखेगा, मोबाइल पे वो कैसा दिखेगा, अपने हिसाब से उसके एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट होने के बाद में सिलेक्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा देखिए, आप देखोगे आपका बैकग्राउंड इमेज आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा।